जय गुरुदेव साहब, एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, गुरु भाई गुरु बहनों का। आज हम गुरु महाराज के शिष्य हैं, हमारे पास के गांव सिंगरौट से जिला सीकर है उनका, दिनेश जी सैनी नाम है, उनसे बातचीत करेंगे बिल्कुल देसी भाषा में। गुरुदेव से जुड़े हुए उनको डेढ़ वर्ष से ज़्यादा हो गया है। उनकी प्रॉब्लम थी, डिस्क की प्रॉब्लम थी, जो सीकर जयपुर दिल्ली तक डॉक्टरों को दिखा दिया था इन्होंने, फिर भी वो एकदम सही नहीं हो पाई। तो अब इन्हीं की जुबानी से सुनते हैं। हाँ दिनेश जी बताओ। जय गुरुदेव भाई, सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। अब बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या थी, कैसे जुड़ना हुआ आप, मतलब मारवाड़ी में बताओ ना, आपने बिल्कुल देसी भाषा में बताओ, क्योंकि ज़्यादातर गुरु भाई गुरु बहन गुरुदेव जी जोधपुर आ राजस्थान से, यहाँ अपनी भाषा में बताओ देते। ठीक है भाई, मैं मारवाड़ी में बता देता हूँ। मतलब कि राहुल ये पहले से जुड़ा हुआ है गुरुदेव से, ये मेरे हिसाब से होगा 2-3 साल पहले या 5 साल पहले से जुड़ा हुआ है। मेरे को तब पता नहीं था, राहुल गुरुदेव का मतलब जप वगैरह करता था, मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। फिर राहुल एक बार मेरे से मिलने के लिए आया, तो राहुल ने बोला आप गुरुदेव के शरण में आ जाओ, हमारे साथ गुरुदेव की दीक्षा ले लो। लेकिन मैंने रुचि नहीं ली, मैं बोलता मेरे को ये पसंद नहीं है, मतलब कि बाबा वगैरह मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं शुरू से ही हूँ, मेरा मतलब कि ये मन नहीं रहता है, बाबा वगैरह में रुचि नहीं रखता, मतलब वो लोग बोलते हैं बाबा जी ऐसे वैसे नहीं मानता। फिर मैं राहुल एक मेरे से 2-4 बार मिले, राहुल जी 2-4 बार मिल लिए, लेकिन फिर भी मैंने रुचि नहीं ली। फिर एक बार मेरे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई तो मैं जयपुर वगैरह सब जगह दिखाया, लेकिन मेरे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन बताया आपको? ऑपरेशन बताया सर, जरूर ऑपरेशन बताया राहुल जी, मेरे को ऑपरेशन जरूर बताया। फिर मेरे को कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, मैं मतलब प्रोफेसर वगैरह मतलब ये दबाना वगैरह सब करवा लिया, मतलब मसाज वगैरह सब करवा ली, लेकिन मेरे कोई अंतर नहीं। घर पे रहता तो मेरे को सीधा सोना पड़ता और मतलब ये बहुत तकलीफ होती। फिर मैं राहुल अचानक मेरे को मन में एक दिन मन में जागृत हो कि एक बार राहुल से जाके मिलने, गुरुदेव के बारे में जानकारी ले। फिर मैं राहुल से मिलने के लिए आया, राहुल से मिलने के लिए, राहुल भी मेरे से मिलने के लिए आया तब। हाँ अपन दोनों मतलब आ रहे थे अपने आप, गुरुदेव का वो सहयोगी मानो आप, गुरुदेव का सहयोगी था, नहीं ऐसे तो कौन मिलता है, कोई इतना सहयोग तो कभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। मैं आपको ना अब मतलब 100% सही बता रहा हूँ मैं, मतलब कि ये मेरे दिल से बता रहा हूँ, आप बोलोगे ऐसे फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा हूँ, आप कभी भी आके मेरे से मिल लेना। मेरा गांव सिंगरौट है, जिला सीकर है, तहसील धोद है, कभी भी आके आप मेरे से मिल सकते हो, डीडवाना लोसल डीडवाना रोड पर मेरे मतलब ये खुद के घर है, तो आप वहाँ पे आके मेरे से मिल सकते हो। उस वो उस बीमारी का फिर क्या हुआ? उस बीमारी का फिर मेरे को राहुल के पास आया, राहुल ने मेरे को बताया तुम ध्यान लगाओ, तो मैं आपको सही सही बताता हूँ। मैंने मतलब बिना फोटो के एक दिन ध्यान लगाया तो मेरा नहीं लगा, फिर मैं राहुल को फोन किया रात को, राहुल भाई मेरे ऐसे हो रहा है, तो राहुल ने बोला कल आपको फोटो मिल जाएगी। फिर राहुल ने अपने एक गुरु भाई का नाम बताया, उसके पास जाके मैंने फोटो ली, जुगल जी सैनी है सिंगरौट के, वो मेरे वैसे चाचा जी लगते हैं, उनके पास गया, उन्होंने जाते मेरे को गुरुजी की फोटो दी, मैंने गुरुजी का चरण स्पर्श किए, ध्यान लगाया, और उसी दिन मतलब कि उसी दिन मेरा ध्यान लग गया, ये मैं सच बोल रहा हूँ आपके सामने, ध्यान लगा उसी दिन। तब महसूस हुआ होगा कि मतलब ये क्या पावर है यार। हाँ तब भी मेरे को मतलब कि महसूस हुआ क्या हो गया क्या नहीं होगा। फिर मैंने राहुल को वापस फोन किया वो ध्यान लगने के बाद में, राहुल मेरे में ऐसे ऐसा, राहुल ने बोला डरने की कोई बात नहीं, कोई योगी क्रिया वगैरह हुई आपको? मेरे को पता नहीं था योगी क्रिया क्या होती है, पर राहुल ने बताया डरने की कोई बात नहीं भाई, आप करते रहो। फिर मैंने ध्यान किया, गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार किया, आज मेरे मतलब मैं आपके सामने अपनी रियल बात बता रहा हूँ, मेरे आज जिसका दर्द चला गया है हमेशा के लिए, चला गया, बिल्कुल खत्म है, हमेशा के लिए चला गया। अब मेरे से आप 50 किलो कट्टा उठवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, बोरी उठवा लो, पत्थर निकवा लो, कुछ भी करवा लो, नहीं उससे पहले मेरे से ना बोरी उठती ना कट्टा, 5 किलो वजन भी बहुत मुश्किल था, सब मुश्किल था, मतलब ऐसे चलना पड़ता था मेरे को, बहुत दर्द होता था सोने में, बैठने में बहुत दर्द होता, लेकिन आज आपके सामने देखो बैठ के दिखा देता हूँ, चल के दिखा देता हूँ, आप बोलोगे वो काम करके दिखा दे सकता हूँ। आप एक बार गुरु की शरण में आओ और चमत्कार देखो गुरुदेव के, मैं तो हमेशा गुरु का ऋणी रहूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। ये देखो वास्तव में मैं भी साक्षी हूँ इस बात का कि दिनेश जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और गुरु महाराज के केवल 2 या 3 दिन मंत्र जाप और ध्यान से इनकी प्रॉब्लम है ना वो दूर हो गई। तो आप सब जो भी इस वीडियो को देखते हैं, गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं जो बीकानेर से थे, जोधपुर में उनका
सत्संग केंद्र है, आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र रजिस्टर्ड संस्था है देवस्थान विभाग में, और दादा गुरुदेव का जो पुण्य पवित्र प्रसाद था उनको, उसी प्रसाद को गुरुदेव बांटने निकले हैं। अब मैं आपको लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में एक मंत्र सुनाऊंगा जो गुरुदेव की आवाज़ में है, उस मंत्र का मानसिक जाप करना है और गुरुदेव की फोटो सामने रख कर यहाँ आज्ञा चक्र के ऊपर आभास करना है। दिखे तो भी ठीक है, न दिखे तो भी ठीक है। 15 मिनट सुबह ध्यान करो, 15 मिनट शाम को ध्यान करो, रेगुलर करो बस। और नाम जप जितना आपको मतलब हो सके या आपको जितना टाइम मिले उतना नाम जप करो और आनंद में रहो। अपने आप परिवर्तन होगा। इसमें क्या है, वृत्ति परिवर्तन होता है, ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, फिर अपने आप योगिक क्रियाएं करवाती है। जिस शरीर के अंग में मिस्टेक है उसी की योगिक क्रियाएं होगी, ये गुरुदेव ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा है। तो मेरी तो यही अनुरोध है, यही आशा है कि जितना जल्दी हो सके गुरु महाराज से प्रार्थना करके जुड़ जाओ, आनंद मंगल होगा। जय गुरुदेव। गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान होता है, अलग अलग पंथों में अलग अलग मतों में अलग अलग तरीके होते हैं दीक्षा के। मैं जो दीक्षा दे रहा हूं वो ये एक नाथ मत की देन है, इसे शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। शक्तिपात का मतलब कोई बाहर से चीज आप में उड़ेली जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। मोटे तौर से समझाऊं कि एक दीपक जल रहा है, आपके दीपक में तेल बाती सब कुछ है, उससे जुड़ जाइए प्रकाश हो जाएगा। मोटे तौर से मेरे पास कोई ऐसी एडिशनल चीज नहीं है जो आपके पास नहीं और मैं आपको दे दूं। आपके पास तो सब कुछ है, जन्म से सब कुछ है, मगर आप उन शक्तियों को चेतन करके जीवन में उपयोग लेने का तरीका नहीं समझ पा रहे, बस इतनी सी देर। और उसमें देर भी नहीं लगती, देर जब लगे जब कुछ करना कराना हो, कुछ भी नहीं करना है, पहले से करा कराया तैयार ही है, आपकी जानकारी में नहीं है।